आमेट में ठेकेदार बना रहे हैं घटिया पानी की टंकी, निर्माण में लगाई जा रही है प्रतिबंधित डस्ट, अभी से झड़ने लगा है सीमेंट, दीवार में आई दरार। खबर श्योपुर से है, जहां कराहल विकासखंड के परतवाड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमेट में ग्रामीणों की पेयजल व्यवस्था के लिए शासन ने नल जल योजना शुरू की है, जिसके लिए एक बड़ी टंकी का निर्माण कार्य वहां किया जा रहा है। मगर हकीकत यह है कि ये पानी की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए टंकी बनाई जा रही है, वह पानी की टंकी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी और इस शासन की मंशा पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि टंकी निर्माण में ठेकेदार द्वारा निर्माण के नाम पर बहुत घटिया कार्य किया जा रहा है। टंकी के निर्माण में प्रतिबंधित डस्ट लगाई जा रही है और सरिया भी हल्का और पतला लगाया जा रहा है, ना ही टंकी की ठीक तरह से तलाई की जा रही है, जिसका प्रमाण यह है कि अभी से ही टंकी का प्लास्टर उखड़ने लगा है, कई जगह दरार पड़ने लगी है। आखिरकार इतना घटिया कार्य ठेकेदार द्वारा पीएचई विभाग में किसकी मेहरबानी से किया जा रहा है? इसमें सब इंजीनियर की जांच प्रक्रिया भी शक के घेरे में है, क्योंकि ऐसा घटिया निर्माण होता देख सब इंजीनियर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं जब इस संबंध में हमारे रिपोर्टर द्वारा पीएचई विभाग के ई शुभम अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि संबंधित को नोटिस जारी करके सुधार करवाएंगे, टंकी की गुणवत्ता भी चेक करवाएंगे, जो भी कमी होगी उन्हें दूर किया जाएगा। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार ये चल रहा है, ये देखिए जी, यहाँ से ये सरिया निकल गया, ये सरिया निकल गया, इतने मतलब ये इतने से वजन से ही निकल गया, इतने से वजन से निकल गया, और ये बिल्कुल पतला सरिया है ये, बिल्कुल बिल्कुल इतना एक इंची तो बहुत होती है, बहुत बारीक, ये यानी कि ये सनोरी बोलते हैं ना इसको, सनोरी उस जैसा है ये सरिया, बिल्कुल पतला सरिया लगाया है इसमें। तो ये टंकी मुझे लग नहीं रहा ज्यादा दिन चलेगी। अरे कहीं नहीं चलेगी, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये टंकी। तो क्या माने इन सरियों की क्वालिटी, क्या माने अपन बताइए? क्वालिटी ये है कि ये जिस तरीके से ये सरिया अभी हिल रहे हैं ना, आगे चल के ये स्टेप्स बनाएंगे इस पे ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो भी ऐसे ही हिलेंगे। ये बहुत पतली है, ये बहुत पतली बनाई गई है, इंची क्या पता कितनी क्या इंची है इसकी, ये तो ओवरसीयर मतलब इतना तो अपन मानते हैं कि सरकार तो पर्याप्त पैसा देती है मजबूत चीज बनाने का। हाँ, मजबूत चीज बनाने का देती है, लेकिन क्या है कि ये ठेकेदार ओवरसीयर की साठ से, वही मैं कह रहा हूँ संजय, क्योंकि इंजीनियर भी इसमें उसकी साठगांठ मिली आ रही, क्योंकि अभी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं टंकी का परीक्षण कराया, तो क्या करके गए परीक्षण? नहीं, कुछ परीक्षण नहीं किया, परीक्षण क्या कर दिया, कागजों में कर दिया होगा, लेकिन स्पॉट पे आगे देखी जाए तो कहाँ हुआ इसका सही परीक्षण। देखिए ना, ये स्पॉट ये सरियाओं से मालूम चल रहा है ये इसकी स्थिति कि ये कैसी बनी हुई है, ये पता नहीं है, ये मुझे भी मालूम नहीं है क्या ये कैसी रेता है, ये समझ से ही बाहर है, बारीक मिट्टी सी है ये इसमें, ये पता नहीं ये कौन से कहाँ से आई है, ये विदेश से आई है, ये क्या इंजीनियर ने कैसे पास कर दी, पता नहीं है ये कैसे पास कर दी, ये कूनों से उठा लाए इसको, ऐसा ही लगता है मुझे तो। ये देखिए ये तरकने लगी है, ये अभी से ये अभी से ये तरकने लगी है, ये देखो ये, तो मतलब इसकी जिसकी बनाई हुई से अभी एक महीना नहीं हुआ, तभी से तरकना शुरू हो गई है, और इसमें और भी बहुत सी कमियां हैं, सीमेंट जड़ रहे हैं, डस्ट में बनाई है, ये देखो जी ये निकलने लगा, ये देखो ये सूख के ये निकलने लगा, ये तो गुणवत्ता कहीं ना कहीं बड़ी कमजोर रही है इसकी, बिल्कुल कमजोर रही है इसकी गुणवत्ता, बिल्कुल बेकार टंकी बनी हुई है ये, इसमें यानी जो एस्टीमेट है अभी एस्टीमेट की जानकारी लेंगे ओवरसीयर से कि कितने का एस्टीमेट है, क्या है, क्या क्या लगाना है इसमें, उस हिसाब से नहीं बनी है ये, यानी कि फेल टंकी बनी है।